कैसे कैसे जोकर होते हैं ना, जो खुद को ही रोस्ट करवा लेते हैं। इनको बड़ा ही शौक होता है दूसरों को चैलेंज देने का, और जब ये देखते हैं कि एक ही शो में रह करके हम कुछ नहीं कर पाए, एक ही शो में दूसरे बंदे की इतनी हाइप थी, बाहर आने के बाद हाइप प्लस हो गई है, तो ये क्या करते हैं, किसी तरीके से खबरों में आना चाहते हैं और कुछ ना कुछ ऊट पटांग हरकतें करते हैं, जिसकी वजह से ये खुद ही रोस्ट हो जाते हैं। वेल, अनुराग डोभाल ने ऑलरेडी एक बार मुनव्वर फारूकी को चैलेंज दिया था बॉक्सिंग करने का, इनको बड़ा ही शौक है। जी हाँ, बहुत ज्यादा शौक है, और अभी ये जो शौक है ना वो थोड़ा सा और ज्यादा हो गया है, क्योंकि ये बॉक्सिंग सीख रहे हैं। कोई बंदा है बोलता है कि मैं ना प्रोफेशनल बॉक्सर हूँ, और ये है मतलब रियल इन्फ्लुएंसर, उनको सिखा रहे हैं। अनुराग डोभाल मार रहे हैं जोर जोर से और बोल रहे हैं कि मतलब चैलेंज एक्सेप्ट कर लिया तो तोड़ दूंगा, और फिर लास्ट में बोलते हैं कि सबको मिला देंगे पानी में हमें तितली बम। तो देखो भैया, ऐसी बातें कह करके ये जरूर से जरूर खबरों में आएंगे, लेकिन खबरों में आने के साथ साथ इनको बहुत ज्यादा रोस्टिंग का सामना भी करना पड़ेगा, क्योंकि ये बोल क्या रहे हैं, सबको मिला देंगे पानी में और ये है सुतली बॉम्ब। तो सभी को पता है कि अभी जब से बिग बॉस चल रहा था, बिग बॉस के टाइम पर भी मुनव्वर की बहुत ज्यादा हाइप थी, वो बंदा भी गया था, अनुराग डोभाल भी गए थे, तो कहीं ना कहीं उनको भी ये लगा होगा कि बाहर तो मैं छा गया हूँगा, मतलब मेरा क्या ही क्रेज होगा बाहर आने के बाद, क्योंकि ऐसा लोग सोचते हैं, तो कहीं ना कहीं वो भी सोच रहे होंगे। और बाहर आने के बाद उन्होंने देख लिया, अब वो कोशिश कर रहे हैं कि किस तरीके से हम भी खबरों में आए, तो कुछ ना कुछ ऊट पटांग हरकतें करते हैं, और ऐसी ऊट पटांग हरकतें हो जाती है जिसकी वजह से इनको खुद को, मुझे लगता है कि रोस्टिंग का सामना करना पड़ता होगा, क्योंकि इससे पहले भी इन्होंने सेम चीज करी थी। अभी व्यूज के लिए ऐसी चीजें इनकी चलती है, क्योंकि जिस वक्त एल्विश प्रॉब्लम में थे उस वक्त भी एल्विश के नाम पर ये व्यूज ले रहे थे, अब इनको कुछ नहीं समझ में आ रहा था, ये इस तरीके की वीडियोस बना रहे हैं। कुछ टाइम पहले इन्होंने डायरेक्ट मुनव्वर को एक चैलेंज दे दिया था, मुनव्वर ने इनको इतना सीरियस लिया नहीं, क्योंकि सीरियस लेने वाले लोग नहीं है ना। फिलहाल क्या कहना है आपको कॉमेंट करके जरूर बताइए। थैंक यू।